पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहनकर निकली तो बाहर बैठे दादाजी से रहा नहीं गया। बोले, बिटिया ये क्या कपड़े पहने हैं? पोती बोली, सभी रोक टोक लड़कियों के लिए है क्या? दादाजी आप अपने पोतों को तो कुछ नहीं कहते, वह कुछ भी पहने, रात को कितनी भी लेट आए, उनको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी बोले, इधर आओ मेरे पास बैठो। पोती दादाजी के पास बैठ गई तो दादाजी ने पूछा, पता है हम लोहे को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, उसे कौन उठाता है? दादाजी ने फिर पूछा, अब बता बिटिया हम सोने को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, तिजोरी में या किसी महफूज जगह पर। दादाजी ने प्यार से समझाया, बोले, लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो कोई नहीं उठाएगा, मगर लड़कियां सोने की तरह होती हैं, उनकी फिक्र होती है, उन्हें महफूज रखना पड़ता है। पोती उठकर चुपचाप अंदर चली गई तो दादाजी को लगा बुरा मान गई, मगर कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई तो दादाजी का सीना गर्व से फूल गया। पोती ने पूछा, दादाजी अब कैसी लग रही हूँ? दादाजी बोले, अभी एक कमी और है, इधर आओ। फिर पोती के माथे पर एक छोटा सा काला टीका लगाकर बोले, अब मेरी बिटिया बिल्कुल परी जैसी लग रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और अच्छी पोस्ट के लिए पेज जरूर फॉलो करें।